निखिल ब्रह्मांड नायिका श्री राधा रानी जी, श्री लाडली जी के ऊपर जिस रूप में पंडित प्रदीप मिश्रा ने टिप्पणी की और देश ही नहीं पूरी दुनिया में बवाल मच गया। आखिर अंततः पंडित प्रदीप मिश्रा को नाक रगड़कर राधा रानी जी के द्वार पर माफी मांगनी पड़ी। क्या रहा पूरा वाक्या और क्या कहा पंडित प्रदीप मिश्रा ने, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। श्री लाडली जी, श्री राधा रानी जी की कृपा सब पर बरसती रहती है और इसी कृपा की छाव में सब को आनंद ही आनंद मिलता है। लेकिन जिस रूप में पंडित प्रदीप मिश्रा जी की टिप्पणी हुई और उसको लेकर देश ही नहीं पूरी दुनिया में बवाल मचा और आखिर में पंडित प्रदीप मिश्रा जी को नाक रगड़कर राधा रानी जी के द्वार पहुंचकर माफ़ी मांगनी पड़ी और सभी भक्तों को जो कष्ट हुआ उसके लिए क्षमा याचना करनी पड़ी। पंडित प्रदीप मिश्रा ने क्या कहा और किस रूप में इसका पटाक्षेप हुआ, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। माता राधा रानी के चरणों में आज यहाँ पर आना हुआ और लाडली जी ने खुद इशारा कर बुलाया तो तुरंत यहाँ आना हुआ और राधा रानी जी के आज सुंदर दर्शन हुए और ब्रजवासियों के बीच में आना हुआ। मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से जो भी चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लाडलू जी से क्षमा चाहता हूँ और ब्रजवासियों को भी मेरी वाणी से, मेरे शब्द से कोई ठेस पहुंची हो उनके भी चरणों में दंडवत कर प्रणाम कर क्षमा चाहता हूँ। और सभी मीडिया वालों से निवेदन है, सभी सोशल मीडिया वालों से निवेदन है कि किसी के लिए भी कोई अपशब्द ना कहे, राधे राधे कहे, हर हर महादेव कहे और सभी, चाहे मृदुकंठ शास्त्री जी हो चाहे अन्य शास्त्री जी हो, किसी के लिए भी कोई अपशब्द का प्रयोग या किसी भी तरह का कोई प्रयोग नहीं दिया जाए। हर हर कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता, कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो, हैं? बरसाना। पक्के में? बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, इसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना, वर्ष में एक बार। क्लिप दिखाई गई किसी भागवत प्रवक्ता की, लाडली जी के विषय में बोल रहा है कि राधा ऐसा, राधा ऐसा। चार श्लोक पढ़ लिए, भागवत प्रवक्ता बन गए। कभी बैठे हो संतों के चरणों में,
कभी किसी महापुरुष की चरण रज का सेवन करके बात करते तो तुम्हारी असभ्य वार्ता ऐसी वाणी से नहीं निकलती। चर्चा की जाती है प्रभु की, प्रभु में अनुराग प्रकट करने के लिए, स्वयं में और जो सुने उसको भगवान में श्रद्धा हो जाए, प्रियाजू में श्रद्धा हो जाए। जो हमारी लाडली जी के विषय में एक भी बात नहीं जानता हो, लाडली जी के विषय में बोलने का अधिकार क्या क्या जानता है लाडली जी के विषय में? श्री जी, अरे हम जीते हैं उन्हीं से, हम उन्हीं में रहते हैं, वो हम में रहती है। अगर तुम्हें जानकारी करनी कि श्री जी क्या है तो हमारी आंखों में आंख मिलाकर देख श्री जी क्या है, फिर तुझे पता चलेगा। यत पादाम्बरुहे करेणु कनिका मूर्धना निधा तुम नहीं प्रापुर ब्रह्म शिवादयो प्रतिकृतिम गोपेक भावाश्रया सापी प्रेम सुधा रसाम्बुद निधि राधापि साधारणी। वो हद करके बोल रहा है श्री जी के लिए, वो श्री कृष्ण की नहीं। अरे प्रीति मूर्तिमति रस सिंधो सार संपदि विमला वैदक दीनाम हृदयम काचन वृंदावनाधिकारिणी जयति। तो तुझे नरक से कोई नहीं बचा सकता। चार लोगों को रिझाकर भागवता चार्य बन करके तू प्रभु के प्रति बोले, एक बोला था द्वारिकाधीश के प्रति। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, जिसका जस गा करके जीता है, जिसका जस खाकर खाता है, जिसके जस गा करके तेरे को नमस्कार प्रणाम मिलता है, उसकी मर्यादा को तू नहीं जानता। किस बात का माइक में बैठ करके प्रवचन करता है जब तुझे ब्रह्म तत्व का बोध नहीं? अरे चराचर जगत में भगवान देखने वाले महाभागवत कहे जाते हैं और तू भागवत का प्रवचन करता है, भगवान की निंदा करता है, श्री जी की अवहेलना की बात करता है। कहते हैं किस बरसाने में नहीं, कभी सामना पड़ा नहीं संतों से, वही चार को घेर कर पैर पुजवाता रहा, इसलिए जानता है तो बहुत बड़ा भागवत प्रवक्ता है। श्री जी को क्यों जान जाएगा? प्यारोढ़ क्षमते न अच्छे सुखादे नाम तु ध्यानगम। जो भगवान शंकर और ब्रह्मा सुखादि के भी ध्यान में नहीं आने वाली है वो हमारी लाडली जो है। और रही बरसाने की बात, श्री जी बरसाने में है कि नहीं, तो अभी कितने ग्रंथों का स्वाध्याय किया है, अभी रस ग्रंथों में प्रवेश ही नहीं हुआ। हे चार श्लोक पढ़ लिए, भागवत प्रवक्ता बन गए। जो मनाया सो नरक जाओगे, ध्यान रखना। वृंदावन की भूमि से गरज कर कह रहा हूं, बोलने का अधिकार तब है जब तत्व का बोध हो जाए। बोलने का अधिकार है दैन्य होकर अपने इष्ट की यश गाथा गाओ, जिससे आस्तिकता बढ़े, नास्तिकता नहीं। बोधयंता परस्परम, परस्पर भगवत चर्चा की जाती है श्रद्धा और विश्वास पुष्टि के लिए। अपने को बड़ा तो ज्ञानी समझता है लाडली जी के विषय में, रस ग्रंथों में प्रवेश नहीं है। अरे महारानी जी के अंश से ऐसी ऐसी शक्तियां प्रकट हुई हैं, शुम्भ निशुम्भ गए, फाड़ के फेंक दिया भगवती ने। जिनके अंश से ऐसी अनंत शक्तियां प्रकट होती हैं, करोड़ बिजली की कांति जिनके श्री अंग से कोई उन्हें स्पर्श कर सकता है, कोई उन्हें देख सकता है? हे बहुत हमें अंदर से गुस्सा लगी सुनकर के, कि प्यारी जी और प्यारे जू के विषय में जानता नहीं, कभी वृंदावन की रज में नहीं लौटा होगा, कभी रसिकों का संग नहीं किया, और कह रहा है कि लाडली जो वृषभानपुर बरसाने में ही नहीं है। हमारे आचार्य कह रहे हैं, देख सखी राधा पी केली, ये दो खोर खिरक गिर गहवर बिहरत कुंवर कंठ भुज मेली। हर समय प्रिया प्रीतम की उपस्थिति गहवर वन बरसाने में की मानी गई। इतने रस ग्रंथ है, ये क्या चार अक्षर पढ़ लिए और भागवताचार्य बन करके ऊट पटांग की बातें करते। एक ने बोला था कि राधा राधा बोलोगे ऐसा ऐसा, हम तुरंत पता चला था कि दो ही चार दिन में हटा दिया गया था। किशोरी जी के विषय में होश में बोलना, हमारा जीवन है, हमारा सर्वस्व है, किशोरी जी तो कुछ नहीं करेंगी, बड़ी करुणामयी है, लेकिन अगर हमारा हृदय जल गया तो तू ना लोक लायक रह जाएगा ना परलोक लायक रह जाएगा। ऐसे भागवत प्रवक्ताओं से बिल्कुल कथा नहीं सुननी चाहिए, ने नरक की प्राप्ति होती है। जिनसे प्रभु के यश की बात सुनने को मिले, जिनके वाणी सुनने से हृदय गदगद हो जाए, अश्रु निकलने लगे, ये जिनके लिए प्राण समर्पित करने की भावना हो जाए, ये है भगवत चर्चा। ये भगवत चर्चा बड़े ज्ञानी बनते हैं। अभी तत्व के विषय में मत बोलो, कृष्ण तत्व को तो तुम जानते नहीं हो। जो ब्रह्म तत्व में स्थित है उनकी भी हृदय की स्थिति को ऐसे आकर्षण कर लिया, बोलते हैं कृष्णात् परम किमपि तत्व महम न जाने। जो कृष्ण का भी परम तत्व राधा बोलने का अधिकार पहले सीख, पहले रसिकों की चरणामृत पियो, चरण रज लगा उनकी जूठन खा, तब तेरे में सामर्थ्य आएगी राधा बोलने की।
भोली भाली किशोरी को ऐसा मत समझ लेना, उनके जन ऐसे हैं कि तुम्हारे सर्वनाश करने में बिल्कुल समर्थ हैं। एक संकल्प में न तू लोक लायक रह जाएगा न परलोक लायक रह जाएगा, पक्का। ये हम वृंदावन से गर्जना करें, महारानी जी के विषय में बोला तो न लोक लायक, देख लेना सभा में कह रहा हूं, देख लेना न लोक लायक रह जाएगा न परलोक लायक रह जाएगा। जो श्री जी के विषय, श्री जी को क्या जानते हैं, हमारी स्वामिनी है, हम उन्हीं से जीते हैं, उन्हीं में वास करते हैं, वो हम में रहते हैं, हम उनमें रहते हैं, क्या समझते हो तुम श्री जी के विषय में? बोलने के लिए बहुत होश से बोलना। जहां श्री कृष्ण महावर रचते हैं वो हमारी श्री जी हैं, अभी तुम किस राधा की बात करता है? अभी जाना कहां राधा को, राधा को जान जाएगा तो आंसुओं से वार्ता होती है, वाणी से मुख हो जाती, कौन रस बाढ़े जहां बोली बोई भारी। और सुनो, कह रहा है कि वृषभानुपुर बरसाने में श्री जी की उपस्थिति नहीं हो तो कभी कभी, और यहां क्या कह रहे, यत प्रादुरस्त्र कृपया वृषभानुगेहे स्यात् किंकरी भवत में ममाभिलाषा। जो प्रगट हुई वो सदा प्रगट है, लाडली जो महल में नित्य विराजमान नेत्र है उसके, कभी गया बरसाने देखा है कभी श्री जी को? राधा बाबा ने देखा तो बात कर रही थी श्री जी, राधा बाबा बात कर रहे थे, और जितने प्रेमी जन है उनसे श्री जी बात करी, क्या जानते हो तुम? कैसे तुम्हें बताऊं ये हृदय की बात कि हमारी लाडली जू क्या है? ये चापलूसी संसार वालों को तुम रिझा सकते हो, लेकिन कभी श्री जी के विषय में कोई ना बोले, नहीं ऐसा ना समझे, उनकी ऐसी शक्तियां हैं कि तुम किसी का देख लेना किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये साप नहीं है, ये परिणाम बोल रहा हूं, माइक से बोल रहा हूं, चिल्ला के बोल रहा हूं, कोई नहीं बचा सकता उसको। या तो जाए बरसाने और साष्टांग दंडवत होकर महारानी जी के सामने घुटने टेक दे कि मेरे से गलती हो गई, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता, तो अत्यंत दयालु कृपालु लाडली क्षमा। अगर ऐसे तुम बोलना चाहते हो कि जो चाहो बोल लो, राधा किशोरी बड़ी भोली भाली है, हाँ है बहुत भोली, लेकिन उनके सेवक ऐसे काल के भी काल महाकाल सेवक हैं, पीकदानी लिए खड़े रहते हैं श्री कृष्ण। ऐसे शब्दों का उच्चारण कभी ना करे जिससे भावनाओं में ठेस पहुंचे, बहुत बड़ी ठेस पहुंची हमारी हृदय में, हमारी लाडली जी के विषय में नहीं। जानना है राधा तत्व को तो हम बोलेंगे नहीं, बैठ जा हमारे सामने जान जाएगा, श्रद्धा और विश्वास करके बैठ जा, हम बोलेंगे नहीं, केवल रोम रोम से तू जान जाएगा लाडली जू क्या है, बैठ तो तू आकर सामने। अब हजारों लोग बैठ करके सुनते, कैसी बुद्धि मारी गई, इष्ट की अवहेलना सुन रहे हैं बैठकर, और ऐसों को भागवताचार्य बनाकर मंच पे बैठाल करके सुनने के लिए निमंत्रण दोगे ना कि पुरिखा तर जाएंगे तो पुरिखा नरक जाएंगे ऐसों को बैठा लोगे तो। अरे कम से कम सोच समझ करके तो बैठा लो। इनको भूरिदा जना कहा गया, पूज्य भागवताचार्यों को भूरिदा जना, भगवान की चर्चा करके शून्य मानस हृदयों में जो भक्ति से शून्य है उनके हृदय में भक्ति का प्रचार प्रसार करके भगवत रस से भर दे, उन्हें भागवताचार्य कहते हैं। उन्हीं के हो करके उनका जस गाते हो इसलिए सब तुम्हें नमन करते हैं, और उन्हीं को तुम बेकूफ कहो और उन्हीं को तुम गालियां दो। कैसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जब कुधान जाती है दान में, जब कुधान आता है तो उनकी कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, अपने को बड़े महापुरुष माना जाता है। हम भागवताचार्यों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हमारी बात जिनके कानों में यहां सुनाई दे रही हो, जहां भी सुनाई दे, आप बहुत बड़े भूरिदा जना कहे जाते हो। शास्त्र में जो बात अधिकारी है सुनने का वही सुनाया जाता है। गुरुजनों के चरणों में बैठकर जब भागवत सीखोगे तब आपको पता चलेगा कि शास्त्र की अधिकारानुसार उपदेश दिया जाता है, नहीं तो भगवत लीलाओं का गायन किया जाता है। जिन लीलाओं के श्रवण कथन से चित्त आकर्षित होकर भजन में लग जाए, प्रभु में लग जाए। कहते हैं प्रिया प्रीतम का विवाह नहीं हुआ, पाताल खंड में पद्म पुराण में पढ़ के देखो, बंशी बट में जहां बट है उस वट के नीचे ब्रह्मा जी ने ब्याह किया, प्रगट लीला में, अवतार लीला में। हमारे निकुंज लीला में रोज ब्याहुला होता, हमारे यहां रोज ब्याहुला होता, सखियन के उर ऐसी आई ब्याह विनोद रचे सुखदाई। कहां हो तुम? प्रीति का यह स्वरूप है हमारे प्यारी जो प्यार। उदाहरण देता है 16,100 ये शक्तियां हैं, रुक्मिणी जी महालक्ष्मी का अवतार है, पृथ्वी का अवतार सत्यभामा जी, अंबा जी का अवतार जाम्बवती जी, और सब ये शक्तियां हैं अवतरित होकर 16,108 स्वामी की सेवा में विराजमान। श्री जी शक्ति नहीं है, श्री कृष्ण यहां शक्ति शक्तिमान के रूप में नहीं, श्री जी लालजू के हृदय का प्रेम है। इसी महाप्रेम की आराधना स्वयं श्री लालजू महाराज करते हैं, और ऐसी प्रार्थना है जनता से कि ऐसी भागवताचार्यों से कथा ना सुनो जिनको खुद कथा का ज्ञान नहीं, खुद तत्व का ज्ञान नहीं, केवल बस हवा में चल रहे, हवा में बह रहे,
चार श्लोक पढ़ लिए और बोल रहे हैं जितना, ऐसे छाछित्र गिरोगे कि कहीं उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। साधुता, भगवत भजन, शास्त्रों का ज्ञान, ये जन समुदाय के मानस पटल पर विकारों का नाश करके भगवत प्रीति प्रदान करने के लिए है। ये स्वामी जी महाराज, हरिदास जी महाराज रात दिन प्रिया प्रीतम की सेवा करते, बिहारी बिहारी, इनसे बड़ा वो भागवत आचार्य है। ये हरिवंश महाप्रभु, हरिराम व्यास जी, सनातन जी, रूप जी, श्री गोपाल भट्ट जी, बड़े बड़े महापुरुष जो प्रिया प्रीतम को देख रहे हैं, ये अंधा क्या देख पा रहा है? ये देख पा रहा है कि राधा कौन है, कृष्ण कौन है? बड़े बड़े महापुरुषों ने भगवत चर्चा की है, श्री गदाधर भट्ट जी ने, बड़े बड़े महापुरुष श्री श्यामचंद्र डोंगरे जी ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने, चले एक भी शब्द के मिस्टेक दिखा दो, पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की कलम से विश्व पावन हुआ है और होता ही रहेगा, एक मिस्टेक दिखा दो, पूज्य स्वामी श्री राम सुखदा एक मिस्टेक दे, ये जो भागवत को जानते भी नहीं है, भगवान की महिमा को नहीं छू सकते हैं, वो चले हैं प्रवचन करने और राधा किशोरी के विषय में। कौन ऐसा भागवताचार्य है जिसका भरण पोषण विश्वंभर भगवान के जस गायन से ना हुआ हो? आप उन्हीं की निंदा करोगे, आप उन्हीं की अवहेलना करोगे, आप उन्हीं का इस तरह से बर्ताव करोगे और अपने को तुम कहते हो भागवत प्रवक्ता? भागवत प्रवक्ता परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज ने जो बोला, जो भगवान व्यास देव जी ने बोला, जिसको सात दिन में सुनकर धुंधकारी परम पद प्राप्त हुआ, परीक्षित परम पद को प्राप्त हुए, उनको तुम उनके बीच में ऐसी बातें सुनाते हो? एक भी शब्द भागवत का हो उसमें तो बताओ हमें, एक भी शब्द ऐसा जो कल्याणकारी हो बताया, ऐ उपहास हो रहा है, कोई बिरला ऐसे भागवत प्रवक्ता है जो भागवत को लेकर बोलते नहीं। आज मनोरंजन बना दिया गया है, ये थोड़ी कि माइक मिल गया, जो मनावे सो बोलते रहो, जैसा मनावे वैसा बोलते रहो। लाडली को जानना है तो वृंदावन की रज का सेवन करो, ब्रह्मेश्वरादि सुदरूप पदारविंद। हे अगर परीक्षा ली जाए कि तुम अपनी पवित्रता कैसे करते हो तो उसमें भी सही नहीं उतरेगा। और ब्रह्मेश्वरादि सुदरूप पदारविंद श्रीमत पराग परमाद्भुत वैभवाया, श्री स्वामिनी जी के विषय में बोलने का अधिकार कहां से प्राप्त कर लिया? इसलिए हमें श्रोताओं से केवल प्रार्थना है, आप कभी ऐसी सभा में जहां भगवत चर्चा के विरुद्ध बात हो रही हो, स्वामिनी जू श्री राधा किशोरी या लाल जू महाराज, चाहे वो राम रूप में हो चाहे सिया रूप में हो, हमारे ही प्रीतम है, अगर किसी भी भगवान की अवहेलना की बात हो रही हो तो उस सभा में गरज कर खड़े होकर विरोध करके चल देना चाहिए, नहीं तो उस सभा में बैठने के कारण भीष्म आदि के बाणों से छेदे गए शरीर। जिस सभा में भगवान की निंदा हो रही, प्रभु की अवहेलना हो रही, भक्तों की निंदा हो रही, ऐसी सभा में बैठने वाले के सुकृत नष्ट हो जाते हैं, उसको चाहिए या तो सभा का त्याग कर दे या बोलने वाले का मुंह बंद कर दे। संत संभु श्री पद अपवादा, कही सुनीता असमर्यादा, काटी जीव तासु जो बसाई, श्रवण मुनि नत चले पर आई। आप सच्ची समझ लो विश्व में ऐसे अव्यक्त महापुरुष है, आप श्री भगवान का यश गाएंगे आपको वैसे दुलार करेंगे, जैसे हमें चुभा ऐसे राधा प्यारी के उपासक अरबों असंख्यों हैं वृंदावन में, अरबों असंख्यों अव्यक्त कब से यहां हो करके यहीं विराजमान है, सबके हृदय में जलन पहुंचेगी, जब जलन पहुंचेगी तो तुम्हारी पूरी खा भी नहीं रोक सकते उस बात को, इसलिए बहुत संभाल के शब्द बोलना चाहिए कि किसी भक्त किसी प्रेमी का हृदय न दुखी हो जाए। हमारा जीवन है वो, हमारा गला काट दो उतना परेशानी नहीं होगी, हमारी श्री जी के विषय में बोलोगे हमारा रोम रोम खौल उठेगा, क्योंकि हम जी रहे हैं, हमारा जीवन वही, और जानना चाहता है जिसको राधा किशोरी के विषय में, हम बोलेंगे नहीं आओ और जान जाओगे, इस रज में आओ, वृंदावन की रज को लगाओ, चरणामृत पियो, जान जाओगे, क्योंकि हम भी नहीं जानते थे, इसी रज ने हमें जनवाया, रसिक महापुरुषों ने जनवाया। इसलिए भाई प्रार्थना है सबसे, भागवत करवाना तो बहुत सोच समझ के ऐसे भागवत प्रवक्ता से कराओ जो संध्या करता हो, जो नाम जप करता हो, जो भगवान की शुद्ध कथा कहता हो। ज्यादा विद्वता की जरूरत नहीं, जो लिखा है उसको श्लोक पढ़ दे, हिंदी में बोल दे, उसी से कल्याण हो जाएगा। तुम्हारी वाणी से कल्याण नहीं होता, कल्याण होना सुखदेव जी की वाणी से, भगवान व्यास देव जी की वाणी जो लिखी उसी से तुम पढ़ दे, भर उसी पढ़ने मात्र से कल्याण हो जाएगा। प्रवक्ता केवल शास्त्र का कथन मात्र कर दे तो किए। प्रेमानंद जी महाराज जी बड़े भोले संत हैं, बड़े सहज संत हैं, कभी भी उनकी वाणी ने कोई अपशब्द नहीं कहा, कभी भी उनकी वाणी किसी के लिए गलत नहीं बोली।
उनके पास में कोई वीडियो लेकर गए होंगे, कोई ने उनके ऊपर दबाव दिया होगा या वीडियो किसी ना किसी रूप में उनके पास आया होगा और किसी ना किसी रूप में उनको उस तरह से बताया गया होगा कि उनको क्रोध आया होगा। हम कहेंगे एक मंथरा केकई को भड़का देती है, राम उनके हृदय में बैठे हैं तो राम को 14 वर्ष वन भेज देती है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई भड़काने वाला ऐसा व्यक्ति है जिसको प्रदीप मिश्रा नहीं सुहारा। और संत तो संत है, उनको सहजता, उनके हृदय में तो पाप है नहीं, वो तो इस चीज को जानते नहीं है कि कौन के अंदर क्या चल रहा है। उसके हृदय में कहीं ना कहीं कुछ कपट होगा, उन्होंने जाकर इनको भड़काया होगा और इनको अपशब्द कहे होंगे कि ये देखिए प्रदीप मिश्रा ने ऐसा बोल दिया या प्रदीप मिश्रा ने वैसा बोल दिया या इस क्लिप में ऐसा बोल दिया। नहीं तो इतने भोले संत हैं, इतने सरल संत हैं, वो कभी भी ऐसा शब्द नहीं बोलते। वो तो उनके पास में जो वीडियो दिखाने वाला व्यक्ति गया है उसने उनको किसी ना किसी तरह से गलत तरह से परिचित कर उनको बताया है। और मैं निवेदन करूंगा, वो तो परम पूज्य संत हैं और इस जीव से अगर गलती हुई होगी तो उनके चरणों में दंडवत है, प्रणाम साष्टांग। देखिए प्रेमानंद जी महाराज जी।